सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फरहत व्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का वीडियो आपको ऑलरेडी टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि किस बारे में है। तो जी हाँ, आज का वीडियो है माई मंथली फेवरेट्स। तो ये मंथली फेवरेट्स है अप्रैल के। तो ये सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। मेकअप आर नॉट एसेंशियल बट स्किन केयर प्रोडक्ट आर एसेंशियल, तो ये याद रखिएगा। स्किन केयर आप खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। तो यार स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा दिन शुरू होता है फेस वॉश से। तो फेस वॉश के लिए मैं यूज करती हूँ बायोटिन एडवांस आयुर्वेदा बायो हनी जेल। तो ये फोमिंग फेस वॉश है एंड इसका जो रिव्यू है मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया था। तो वीडियो यहाँ आई बटन में मैं लिंक कर दूंगी। तो ये जो फेस वॉश है काफी अच्छा है। यू कैन ट्राई दिस। ड्राई स्किन वाले ही ट्राई कीजिए, उन्हें काफी समझ में आएगा इसकी जो खासियत है। तो ड्राई स्किन वाले यूज कीजिए। अगर आप ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है तो बायोटिक का नीम फेस वॉश यूज कीजिए। तो ऑयलिंग के लिए मैं यूज करती हूँ प्योर एंड श्योर का ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल। मैं इसे काफी यूज करती हूँ, आप देख सकते हैं कितना खत्म हो चुका है। अगर मैं ये 2 चम्मच लेती हूँ तो जो कोकोनट ऑयल है वो भी 2 चम्मच लेती हूँ तब अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। हाँ, एक प्रो टिप है, अगर आपको ये कैस्टर ऑयल आप आईब्रो में लगा रहे हो तो आपका आईब्रो काफी ग्रोथ करे। बॉडी वॉश के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ बॉडी क्यूपिड का बाथ एंड शार्ज जेल चेरी लीशियस। तो ये ऐसा पैकेजिंग है, इसका मैंने रिव्यू शेयर किया था और ये मुझे कोलैब में आया था। मुझे पहले लगा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक काफी बहुत अफोर्डेबल नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है ये अब अफोर्डेबल है क्योंकि इसका एक ड्रॉप आप डालिएगा अपने लूफा पे तो वो बहुत अच्छा सा उसमें फोम बना लेगा। तो मैं यूज करती हूँ अपने हैंड को मॉइस्चराइज रखने के लिए एक अयूर का हर्बल मसाज क्रीम। तो ये है विद एलोवेरा। इसके काफी वेरिएंट्स आते हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था तो इसका लिंक मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये काफी अच्छा है, इसे यूज ऐसे करते हैं कि आप इसे अच्छे से डॉट डॉट अपने हैंड्स पे पूरे अच्छे से लगा लीजिए, देन आप एक टोनर लीजिए। या फिर टोनर नहीं है आपके पास तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पानी लीजिए उसमें आइस क्यूब्स डालिए और उसके बाद उसे अच्छे से मसाज कीजिए, आपके हाथ में अच्छे से वो मसाज होके अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा ये जो क्रीम है और आपका हाथ नरिश्ड लगेगा। फेस मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करती हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो कोकोनट व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। उसका रिव्यू मैंने शेयर किया है तो आपको मालूम होगा मैं अपने फेस से ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ फेस के साथ, तो मुझे ये क्रीम ज्यादा अच्छा लगता है। मेकअप रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग मिल्क, अगर आपके पास क्लेंजिंग मिल्क नहीं है तो आप होममेड क्लेंजिंग मिल्क बना सकते हैं। यहाँ आई बटन में लिंक कर दूंगी मैंने होममेड क्लेंजिंग मिल्क कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। एंड मेरे मंथली फेवरेट्स में आता है अयूर का क्लेंजिंग मिल्क। ये मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, काफी महीनों से मैं यूज कर रही हूँ। तो ये मेरे मंथली फेवरेट्स में आता है ये क्लेंजिंग मिल्क और ये काफी अच्छा है। ये आपके सारे मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देता है। उसके बाद ये क्लेंजिंग मिल्क मैं यूज करने के बाद मैं अगेन फेस वॉश से मुंह धो लेती हूँ। तो हम लोग क्लेंजिंग के बाद करते हैं स्क्रब। तो स्क्रब के लिए गुड वाइब्स का रास्पबेरी एंड पेपरमिंट ब्राइटनिंग स्क्रब। तो इसका पैकेजिंग ऐसा है, इसका रिव्यू मैंने शेयर किया था, आई बटन में यहाँ लिंक कर दूंगी। हाँ, तो ये जो स्क्रब है ये काफी अच्छा है, इसके बीट्स काफी बड़े बड़े हैं। कैमरा कैच करेगा, हाँ इसके बीट्स काफी बड़े बड़े हैं। आप इसे हफ्ते में एक ही बार यूज कीजिए, आपको जरूर रिजल्ट दिखेगा। स्क्रब के बाद हम लोग टोनर यूज करते हैं। तो मैं कुछ और टोनर में नहीं जा रही, काफी टोनर्स है बट ये जो है ये काफी कॉमन टोनर है, डाबर गुलाबरी रोज ग्लो। तो ये काफी अच्छा टोनर है और सभी स्किन टाइप यूज कर सकते हैं। काफी टोनर होते हैं वो स्किन टाइप के हिसाब से होता है, तो मैं उस टोनर पे नहीं जा रही हूँ। वो अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए टोनर्स पे तो वो मैं शेयर जरूर करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं जरूर से शेयर करूंगी। तो ये टोनर काफी अच्छा है, ये आपको अच्छे से रोजी ग्लो देता है। काफी रात तक जागना पड़ता है एडिटिंग एंड ऑल के लिए तो डार्क सर्कल्स हो जाता है, तो डार्क सर्कल के लिए मैं यूज करती हूँ अरोमा मैजिक का अंडर आई जेल। तो एक्सपेंसिव है बट मेरे लिए ये काफी अच्छा साबित हुआ क्योंकि काफी लोगों को ये प्रोडक्ट यूजफुल नहीं लगा बट मुझे काफी यूजफुल लगा क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हो रहे, कैन सी मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है। तो आप इसे यूज कीजिए, ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो अगर मेरे फेस को बहुत टायरिंग सा, मेरा फेस बहुत टायरिंग सा फेस लगे या फिर बहुत ऑफ लगे तो मैं लगाती हूँ फेस मास्क। तो ये है मामा अर्थ C3 फेस मास्क। इसका जो रिव्यू है यहाँ पे आई बटन में लिंक कर दूंगी।
तो ये जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा है और आप इसे देख सकते हैं ये खत्म हो चुका है ऑलरेडी। मैं इसका दूसरा पैक खरीदूंगी, ये एक दो बार लगाऊंगी और ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये चारकोल फेस मास्क है और चारकोल आपके फेस के लिए कितना अच्छा आप जानते ही है। और वो ये इसका जो रिव्यू है आप प्लीज जाके देखिए, आपको जरूर डिफरेंस समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। पूरा रिफ्रेश कर देता है आपके फेस को। हर 15 दिन में मैं अपने हाथ और पैर को अच्छे से उसे पैक वैक लगा के अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में भी काफी टैनिंग हो गई थी और ये आप देख सकते हैं मेरे पहले वीडियोस में और अभी आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना अच्छा हो गया है। तो मैं यूज करती हूँ VLCC का मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट। इसका रिव्यू शेयर किया था, पेडिक्योर डेमो भी दिया। इसका जो रिव्यू प्लस डेमो है यहाँ पे आई बटन में है, क्लिक करिए जाके देख सकते हैं। या तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा, हर एक स्टेप के बाद आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए और कॉमेंट कीजिए कि आगे क्या वीडियो चाहिए। इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे रिकमेंड से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसके साथ अपना पिक्चर जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे जरूर से अपने स्टोरी पे लगाऊंगी। एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। सो बाय बाय गाइज़।